जय श्री कृष्णा, राधे राधे। सभी भक्तों को नमस्कार। आज इस वीडियो में हम आपको भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली श्री कृष्ण छठी के बारे में बताएंगे। इस वर्ष 2020 में श्री कृष्ण छठी कब मनानी चाहिए, श्री कृष्ण छठी किस प्रकार मनानी चाहिए और श्री कृष्ण छठी की कथा के बारे में आपको बताएंगे। इन सभी जानकारी के लिए हमारा वीडियो पूरा जरूर देखें। हमारे चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल प्रभु संघ को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन पर जरूर क्लिक करें। तो आइए अब आपको बताते हैं श्री कृष्ण छठी की जानकारी। जन्माष्टमी के 6 दिन बाद ही भगवान श्री कृष्ण की छठी भी मनाई जाती है। जन्माष्टमी का पर्व भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है, जिसके 6 दिन बाद भगवान श्री कृष्ण की छठी पूजन का भी रिवाज है। इस दिन लोग जन्माष्टमी की तरह भगवान श्री कृष्ण की पूजा करते हैं। लोग इस दिन अपने घर में बच्चों की छठी की तरह ही कड़ी चावल बनाते हैं। इस दिन भगवान श्री कृष्ण को पीले रंग के वस्त्र और माखन मिश्री का भोग भी लगाया जाता है। भगवान श्री कृष्ण की छठी वाले दिन लोग अपने आराध्य का नाम अपनी इच्छा के अनुसार भी रखते हैं। कुछ लोग भगवान श्री कृष्ण को माधव, लड्डू गोपाल, ठाकुर आदि नाम से भी पुकारते हैं। आइए अब आपको बताते हैं श्री कृष्ण छठी इस वर्ष 2020 में कब मनाएं। अगर आपने जन्माष्टमी 11 अगस्त 2020 को बनाई है तो इस हिसाब से 17 अगस्त 2020 को छठी मनाएं। अगर आपने जन्माष्टमी 12 अगस्त 2020 को मनाई है तो आप 18 अगस्त 2020 को श्री कृष्ण की छठी मनाएं। सबसे सरल तरीका है कि अगर आप अभी भी कंफ्यूज हैं, असमंजस में हैं कि आप श्री कृष्ण छठी किस दिन मनाएं, तो आपके पास के मंदिर में जब भी छठी मना रहे हो आप छठी उस दिन मना सकते हैं। आइए अब आपको छठी के शुभ मुहूर्त की जानकारी देते हैं। श्री कृष्ण छठी शुभ मुहूर्त सुबह 11:47 से दोपहर 12:45 तक रहेगा। आइए अब आपको बताते हैं भगवान श्री कृष्ण की छठी कैसे मनाएं। सबसे पहले ठाकुर जी को सुबह के समय पंचामृत से स्नान करवाएं। इसके लिए आप दूध, घी, शहद, बूरे और गंगा जल को मिलाकर पंचामृत बना सकते हैं। पंचामृत से स्नान कराने के बाद ठाकुर जी को शंख में गंगा जल भरकर फिर से स्नान करवाएं। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण को पीले रंग के वस्त्र पहनाएं और उनका श्रृंगार करें। इसके बाद ठाकुर जी को मिश्री और मक्खन का भोग लगाएं। इस दिन आप कड़ी और चावल अवश्य बनाएं। आइए अब आपको बताते हैं भगवान श्री कृष्ण का नामकरण किस प्रकार करते हैं। भगवान श्री कृष्ण को कई नामों से पुकारा जाता है। आप भगवान श्री कृष्ण का नाम अपनी इच्छा से रख सकते हैं। आपको जो भी नाम पसंद हो आप वह नाम रख सकते हैं। आप चाहें तो उनका नाम माधव, लड्डू गोपाल, ठाकुर जी कुछ भी कह सकते हैं। छठी के मौके पर भगवान श्री कृष्ण को चाबी भी सौंपी जाती है। इस दिन आप भगवान श्री कृष्ण को घर की चाबी सौंपें और इसके बाद भगवान से अपने घर में सदैव स्नेह और कृपा के लिए प्रार्थना करें। उनसे घर के पालन पोषण की भी प्रार्थना करें। आइए अब आपको श्री कृष्ण छठी की कथा सुनाते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त कुंभन दास जी का रहा करता था। उनका बेटा था रघुनंदन। कुंभन दास जी के पास भगवान श्री कृष्ण का एक चित्र था जिसमें वह बांसुरी बजा रहे थे। कुंभन जी हमेशा भगवान श्री कृष्ण की पूजा में लीन रहा करते थे। वे पूरी श्रद्धा से भगवान श्री कृष्ण की सेवा किया करते थे। कुंभन दास जी श्री कृष्ण की सेवा में अत्यधिक लीन रहा करते थे। वे अपने प्रभु को कभी भी कहीं छोड़कर नहीं जाते थे। एक बार कुंभन दास जी के लिए वृंदावन से भागवत कथा के लिए बुलावा आया। पहले तो कुंभन दास जी ने भागवत में जाने से मना कर दिया, परंतु लोगों के आग्रह करने पर वे जाने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने सोचा कि पहले वे भगवान श्री कृष्ण की पूजा करेंगे, इसके बाद वे भागवत कथा करके घर वापस लौट आएंगे। इस तरह से उनके पूरा पूजा नियम नहीं टूटेगा। कुंभन दास जी ने अपने पुत्र को समझा दिया कि मैंने भगवान श्री कृष्ण के लिए भोग तैयार कर दिया है, तुम बस ठाकुर जी को भोग लगा देना। इतना कहकर वे वहां से चले गए। कुंभन दास जी के बेटे ने भोग की थाली ठाकुर जी के सामने रख दी और उनसे विनती की कि वे आए और भोग लगा दें। रघुनंदन जी मन ही मन में ये सोचा करते थे कि ठाकुर जी आएंगे और अपने हाथों से खाएंगे जैसे सभी मनुष्य खाते हैं। कुंभन दास जी के बेटे ने कई बार भगवान श्री कृष्ण से आकर खाने के लिए कहा, लेकिन भोजन को उसी प्रकार देखकर वह निराश हो गया और रोने लगा। उसने रोते रोते भगवान श्री कृष्ण से कहा कि भगवान आकर भोग लगाइए। उसकी प्रकार सुनकर ठाकुर जी ने एक बालक का रूप रखा
और भोजन करने के लिए बैठ गई, जिसके बाद रघुनंदन के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वृंदावन से भागवत कर जब कुंभन दास जी घर लौटे तो उन्होंने अपने बेटे से प्रसाद के बारे में पूछा। रघुनंदन ने अपने पिता से कहा कि ठाकुर जी ने सारा भोजन खा लिया है। कुंभन दास जी ने सोचा कि अभी रघुनंदन नादान है, उसने सारा प्रसाद खा लिया होगा और डांट की वजह से झूठ बोल रहा होगा। अब रोज कुंभन दास भागवत के लिए जाते और शाम तक सारा प्रसाद खत्म हो जाता था। अब कुंभन दास जी को लगने लगा कि उनका पुत्र कुछ ज्यादा ही झूठ बोलने लगा है, लेकिन उनका पुत्र ऐसा क्यों कर रहा है। कुंभन दास जी ने एक दिन लड्डू बनाकर थाली में रख दिए और दूर छिपकर देखने लगे। रघुनंदन ने उस दिन भी रोज की भांति ठाकुर जी को आवाज दी और ठाकुर जी एक बालक का भेष में कुंभन दास जी के बेटे के सामने आ गए। रघुनंदन ने ठाकुर जी से फिर से खाने के लिए आग्रह करा, जिसके बाद ठाकुर जी लड्डू खाने लगे। कुंभन दास जी जो दूर से इस घटना को देख रहे थे, वे तुरंत ही आकर ठाकुर जी के चरणों में गिर गए। ठाकुर जी ने एक हाथ में लड्डू और दूसरे हाथ का लड्डू जाने ही वाला था, लेकिन ठाकुर जी उस समय वहीं पर जमकर रह गए। तभी से लड्डू गोपाल को इसी रूप में पूजा जाने लगा। आइए अब आपको माता षष्ठी देवी के बारे में बताते हैं। प्रकृति की मूल में शिष्टांश होने के कारण इन्हें षष्ठी देवी कहा गया है। शास्त्रों के अनुसार षष्ठी देवी को बालों की अदृष्टि देवी के रूप में भी पूजा जाता है। षष्ठी देवी को दीर्घ आयु प्रदान करने वाली देवी कहा जाता है। इन्हें बालकों का भरण पोषण, रक्षा और हमेशा उनके समीप रहने वाली देवी भी माना जाता है। इसलिए षष्ठी देवी को विष्णु माया, सिद्धि योगिनी और कार्तिकेय की पत्नी होने के कारण देवसेना भी कहा जाता है। माता षष्ठी की ही कृपा से राजा प्रियव्रत का मरा हुआ पुत्र भी जीवित हो गया था। इसलिए किसी भी बच्चे के जन्म के बाद सूती काग्रेस के 6वें दिन या 21वें दिन अन्नप्राशन संस्कार और अन्य सभी शुभ कामों में षष्ठी माता की पूजा की जाती है। आइए अब आपको बताते हैं जो ब्रह्मा जी ने षष्ठी देवी को वरदान दिया था। पौराणिक कथा के अनुसार जब भगवान श्री कृष्ण की 6ठी थी तो उस समय भगवान श्री कृष्ण अत्यधिक रो रहे थे। यशोदा माता का दूध भी उतर नहीं रहा था। इस पर ब्रह्मा जी ने महामाया से कृष्ण जी को चुप कराने के कहा तो महामाया गोकुल पहुंच गई और भगवान श्री कृष्ण के सामने कई तरह के नाटक करने लगी, जिसके बाद श्री कृष्ण चुप हो गए। इसके बाद ब्रह्मा जी ने महामाया को 6ठी देवी होने का वरदान दिया और कहा कि तुम प्रत्येक घर में 6ठी देवी के नाम से आदर के साथ पूजी जाओगी। आशा है आपको हमारा यह वीडियो जरूर पसंद आया होगा। श्री कृष्ण 6ठी की जानकारी देने के लिए अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को हमारा यह वीडियो जरूर शेयर करें। कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना ना भूलें। भक्ति एवं व्रत कथाओं के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इनसे रिलेटेड वीडियोस के लिए हमारे चैनल को जरूर फॉलो करें।